वेलकम स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ फिजिक्स। लास्ट टाइम कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने की फॉर्मूला हमने डिराइव की है, स्पेरिकल कैपेसिटर एंड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उस लेक्चर के दौरान मैंने दो क्वेश्चन भेजे थे कि स्पेरिकल कैपेसिटर जो है उसके ऊपर 1 फराड कैपेसिटेंस अगर मुझे डालना हो, उसकी कैपेसिटी 1 फराड करनी हो तो मुझे कितना रेडियस होना चाहिए, क्लियर है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि द बिग दैट अर्थ वी हैव, हमारे पास जो अर्थ है उसका रेडियस 6400 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट लाइक दैट, तो इतने बड़े अर्थ के ऊपर कितना कैपेसिटेंस होल्ड हो सकता है, क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे वो इसलिए पूछे थे, वो ऑब्वियस है, हमारे कैपेसिटेंस के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, हमारा क्लियर विजन आ जाए, क्लियर है। कि मैंने जो बोला था कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, और मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर के बीच का जो मीडियम होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्लियर है। तो कैपेसिटेंस जो है लंबा चलेगा अभी थोड़ा, क्योंकि कैपेसिटेंस के बारे में हमें डिटेल में स्टडीज करना है। सो जो लास्ट टाइम जो दो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उस दो क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे लोगों ने मेरे को दिए हैं, एंड मोस्ट ऑफली ने कुछ गलतियां की है, क्लियर है। बट एनीवे इट्स वेरी गुड कि उन्होंने ट्राई किया है, सो इट्स वेरी गुड कि दैट मीन्स देव ट्राइड इट। सम वॉट पावर्स में किसी को प्रॉब्लम हो चुका है, किसी का फॉर्मूला थोड़ा एरर वाला हो गया, इसकी वजह से थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, बट दे ट्राइड इट देयर बेस्ट, सो इट्स वेरी गुड, कीप ट्राइंग दैट वे। और आपको क्वेश्चंस के आंसर इस लेक्चर में मिलेंगे कि आपने जो ट्राई किया था उसमें क्या सिचुएशन था। सो लेट्स बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन यही था कि ये स्पेरिकल कैपेसिटर जो मेरे पास है, क्लियर है, उसके ऊपर मुझे 1 फराड कैपेसिटेंस लाना है। कितना? 1 फराड कैपेसिटेंस लाना है, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए, क्लियर है। तो स्पेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला जो है हमारे पास, हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, 4π ε0 r, क्लियर है। सो ये इसका फॉर्मूला है फॉर स्पेरिकल कैपेसिटर, के अगर कोई भी स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर है सो उसका कैपेसिटेंस जो है 4π ε0 r के हिसाब से चलेगा। तो रेडियस कितना होना चाहिए, दैट वी वांटेड, क्लियर है। सो सी की जगह मैं 1 फराड रख देता हूँ, क्योंकि मुझे 1 फराड चाहिए, 4π ε0 r कैपेसिटेंस 1 फराड होना चाहिए, सो 1 मैंने रख दिया है, बाकी 4π ε0 r। अब मुझे r ढूंढना है कि रेडियस कितना होना चाहिए, सो r इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1/4π ε0, सिंपल, ये 4π ε0 सीधा इधर चला जाएगा कि आपका रेडियस ऐसा होना चाहिए। सो 1/4π ε0 जो है हमें पता है k होता है, और k की वैल्यू में पता है कूलम्ब कांस्टेंट, सो दैट इज 9×10⁹ मीटर, ये रेडियस होना चाहिए इस स्पीयर का, ह्यूज साइज है ये, आई कैन टेल यू 9×10⁹ मीटर का रेडियस होना चाहिए, तब जाके ऐसा स्पेरिकल कैपेसिटर 1 फराड कैपेसिटेंस होल्ड कर सकता है। सो अर्लियर लेक्चर्स में जैसे मैं बोला था 1 फराड बहुत बड़ा यूनिट है, सो प्रैक्टिकली 1 फराड इज नॉट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप डायमेंशंस पे ही देख सकते हैं कि रेडियस इतना होना चाहिए। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये डायमेंशन कितना बड़ा है, सो इट इज़ दी 30 times the distance between the earth and moon, earth और moon के बीच का जो distance है, clear, 3×10⁸ meter almost, clear, so 3.08×10⁸ meter जो है earth और moon के बीच का distance है, उस distance का 30 times distance करूं अगर उस डिस्टेंस को, तब जाके ये रेडियस बनेगा, दैट मच बिग स्पीयर वी वांट, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू अचीव दैट वन। सो दैट्स व्हाई 1 फराड कैपेसिटेंस जो है दैट कैन नॉट बी अचीव्ड प्रैक्टिकली, क्लियर। इसलिए हम प्रैक्टिकल में जो है नैनोफेराड, पिकोफेराड, माइक्रोफेराड में ही डील कर सकते हैं, प्रोबेबली नैनोफेराड एंड पिकोफेराड में ही डील करते हैं, सो दैट्स वाई। सो इससे आपको पता चल गया होगा कि कैपेसिटेंस 1 फराड लाने का पॉसिबिलिटी है नहीं, क्लियर है। 30 times द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये जो डायमेंशन में बता रहा हूँ ये अर्थ और मून के बीच का
30 टाइम डिस्टेंस हो तब जाके इतना साइज बनेगा। सेकंड क्वेश्चन था ये कि अर्थ जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, सो ऑब्वियस अब ये वापस आप पुट अप करके वैल्यू वहाँ पे आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस जो होगा वो 700 माइक्रो फराड आएगा, कि अर्थ इतना बड़ा जो है वो भी 700 माइक्रो फराड जितना ही कैपेसिटेंस होल्ड कर सकता है, दैट मच कैपेसिटी इट हैज। सो उसकी कैपेसिटी इतनी है 700 पिको माइक्रो फराड की, क्लियर है। हमारे इस कोर्स के अंदर जो है वेन डायग्राफ जनरेटर है, वेन डायग्राफ जनरेटर जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स है, क्लियर है। सो वेन डायग्राफ जनरेटर का जो रेडियस होता है वो 0.3 मीटर है, जिसका मतलब सी उसका जो होगा वो approximate value I'm saying that will be a 30 microfarad possibility, you can check by yourself, clear hai? Might be 30 or 3 microfarad jitna hoga Van der Graaff generator, clear hai? So that way aap r alag alag rakhte jayenge, so aapko pata chalta jayega ki that means किसकी कैपेसिटेंस कितना है। सो पहली चीज डायमेंशन पे डिपेंड करता है ये पूरा कैपेसिटेंस, क्लियर है। दूसरा जो एक चीज़ है कि मैंने बोला कि मीडियम जो कैपेसिटर के बीच में दो प्लेट है या इसके आसपास जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो वो भी आगे आएगा तो वो भी हम देखेंगे, क्लियर है। सो दिस ऑल आर द थिंग्स आर देयर। पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर है 700 माइक्रोफराड, क्लियर है। सो दिस टू आर आंसर्स आर देयर, कि ये दो आंसर्स हैं जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा था। तो जिसने भी आंसर दिया है वापस अपने आंसर्स रिकॉल करके चेक कर लो। 9×10⁹ मीटर, 700 माइक्रोफराड, सो दिस आर द आंसर्स आर देयर। अभी फर्दर और चलते हुए एग्जांपल में पैरेलल प्लेट लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये कॉमन है, क्लियर है। प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमें पता है जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया है, क्लियर है, कि C इज इक्वल्स टू, आपको याद दिलाने के लिए, Q बाय V होता है। सो C इज इक्वल्स टू Q बाय V फॉर्मूला। Q जो है हमने फाइंड आउट किया था कि Q मेरे पास आता है सिग्मा इंटू A, ये मेरा Q है एरिया प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया जो है वो ए है। सिग्मा जो है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, विद्युत भार घनता है। वी इज इक्वल्स टू हमने ट्राई किया है ई डी, डी जो है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है, कितना प्लेट एक दूसरे से दूर है ई डी। ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। तो वी ये है, क्यू ये है, सो पुट अप करेंगे तो सी हमें मिलता है एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। इसमें भी मैंने आपको बताया था एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यस्त प्रमाण में है डी को और ए को समप्रमाण में है। तो एरिया प्लेट का जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्लियर है। कैपेसिटर के बीच का गैप जितना छोटा होगा उतना भी कैपेसिटेंस उसका हाई होगा। जितना गैप बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटर के प्लेट को दोनों को दूर करते जाएंगे उतना पर्टिकुलर जो है दैट मीन्स डी बढ़ता जाएगा, सी डाउन होता जाएगा, उसका कैपेसिटेंस गिरता जाएगा, क्लियर है। सो अगर हम पर्टिकुलर जो है ए इज इक्वल्स टू एग्जांपल में ले रहे हैं कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, डी जो है 10⁻³ मीटर, बहुत छोटा गैप रखेंगे, क्लियर है। एप्सिलॉन जीरो हमें पता है कि एप्सिलॉन जीरो मेरे पास 8.85×10⁻¹² SI यूनिट, क्लियर। तो ये सब वैल्यू को अगर मैं पुट करूं इधर तो C कितना मिलेगा मुझे, सो ऑब्वियस है C जो है 8.85×10⁻¹² एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया है, D 10⁻³ है, 10⁻³ ऊपर जाएगा, −12 + 3 −9 बचेगा, 8.85×10⁻⁹ फराड। दैट मीन्स
नैनो फराड 8.85 नैनो फराड जितना कैपेसिटेंस एक मीटर स्क्वायर एरिया का प्लेट अगर लेते हैं तो इस तरह से वो हेल्ड अप करेगा। फॉर एग्जांपल सेम वे जैसा मैंने यहाँ ट्राई किया था कि अगर इन केस जैसे इसका मुझे पता चल गया है कि वन फराड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा साइज का स्पीयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 30 टाइम्स है डिस्टेंस को, तो अगर मुझे पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट के ऊपर वन फराड कैपेसिटेंस अगर चाहिए, आई वांट टू गेट वन फराड कैपेसिटेंस ऑन पैरेलल प्लेट, क्लियर। सो प्लेट का एरिया कितना होना चाहिए, तो इसमें हम ये ढूंढेंगे एरिया कि प्लेट कितना बड़ा साइज का होना चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर जो है उसके ऊपर वन फराड कैपेसिटेंस रख सकता हूँ, मतलब एक्यूमुलेट करा सकता हूँ। सो लेट्स सी, डी उतना ही रखेंगे, मिनिमम 10^-3 मीटर, क्लियर है। सो इस बार मेरे लिए फिक्स है कि सी मुझे वन फराड चाहिए, आई वांट सी वन फराड, डी मेरा फिक्स है 10^-3 मीटर, एप्सिलॉन 0 फिक्स है, 8.85 × 10^-12 SI, क्लियर है। सो ए क्या होना चाहिए हमारा, दैट मीन्स हम ए ढूंढेंगे कि प्लेट का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। सो फॉर्मूला हमारे पास है, ए को सब्जेक्ट करेंगे, सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0, क्लियर है, सी डी अपॉन एप्सिलॉन 0। सो सी मेरे पास 1 फराड, डी 10^-3, एप्सिलॉन 0 जो है 8.85 × 10^-12 है, क्लियर है। सो ऑलमोस्ट ये सब को आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 × 10^4 मीटर आएगा, क्लियर है। अगर आप घर पे बैठ के ट्राई करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सो यू विल गेट दैट 1 × 10^4 मीटर, क्लियर है। एंड इफ़ यू सी दिस वन, कि ये एक्चुअल 1 × 10^4 दैट मीन्स 10,000 मीटर है एरिया, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्लियर है एरिया। सो लेंथ इनटू ब्रिथ, क्लियर है। एरिया ढूंढने के लिए मुझे लंबाई कितनी चाहिए, पौड़ाई कितनी चाहिए, क्लियर है। तो उसके लिए आपको 10 किलोमीटर का लेंथ और ब्रिथ दोनों चाहिए, कि प्लेट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर तक हो और जिसकी पर्टिकुलर ऊंचाई मतलब पौड़ाई जो भी है वो 10 किलोमीटर हो। सो ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू गेट दैट वन, क्लियर है, कि दैट मच वैल्यू वाला पॉसिबल नहीं है। सो प्रैक्टिकली ये सेकेंड भी हमने ट्राई करके देख लिया है कि 1 फराड कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल टू अचीव ऑन एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के ऊपर 1 फराड कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। हाँ, वी कैन जस्ट गेट नैनो एना पिको फराड वैल्यूज। सो हमारे को ऐसे ही चीज़ के साथ डील करना होता है। आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिसके ऊपर कैपेसिटेंस के इलेक्ट्रॉनिक गेजेस के अंदर सब में कैपेसिटर्स होते हैं, क्लियर। कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, ये सर्किट के मेन कंपोनेंट्स हैं, दे आर द 3 मेन सर्किट्स कंपोनेंट्स। तो ये सर्किट की मेन कंपोनेंट है, तो उसमें कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू लिखी गई होती है, क्लियर है। सो दिस ऑल आर द थिंग्स आर देयर, कि लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसका आंसर आपको मिल गया है। पैरेलल प्लेट जिसको मैंने आपको समझाया वापस, कि वो भी डायमेंशन पे ही डिपेंड करता है क्योंकि उसके डायमेंशन के हिसाब से उसका कैपेसिटेंस आएगा, तो ये बहुत कम वैल्यू का है। 1 मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ फिर भी कम वैल्यू का है, फाइन। 1 फराड अगर चाहिए सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, 10 किलोमीटर हाइट प्लेट यू कांट अचीव इट, क्लियर। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी पर्टिकुलर 8 किलोमीटर ही है, सो अबव देन दैट यू कांट गो दैट वन। सो बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड द कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, फाइन। सो अप टू हियर वी विल गो दिस वे। अब इसके बाद मैंने जो बोला कैपेसिटेंस का दूसरा एक पॉइंट भी है कि उसके मीडियम पे डिपेंड करना, दो प्लेट है उसके बीच में मीडियम कैसा है, क्लियर है। द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो आएगा हम आगे स्टडीज करेंगे उसके बारे में, उसके बारे में हम समझेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना है, आगे चलेंगे। अभी मेरे पास मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स के ऊपर ले जाऊंगा। आई विल टीच यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर, क्लियर। और उसके थ्रू होते हुए पहले मैं बाद में आपको डाइलेक्ट्रिक समझा दूंगा, क्लियर है।
और वो सब कंप्लीट करने के बाद वापस बैक टू हम कैपेसिटर्स आएंगे, क्योंकि कैपेसिटर में जो आगे ये सब चीज़ का यूज़ होगा, डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पोलराइजेशंस, ये सब चीज़ें. सो इट मीन्स बेसिकली दे आर रिलेटेड विद द कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर के साथ ही रिलेटेड हैं. क्लियर है? तो हम कैपेसिटर्स कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम कैपेसिटर्स के ऊपर ही हैं. ये पर हमको पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टर्स, डायलेक्ट्रिक्स एंड देन आफ्टर पर्टिकुलर वापस कैपेसिटर का जो बेसिक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट सम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहता है. न्यूमेरिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आपको सर्किट देख के पता चल जाना चाहिए कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए इक्विवेलेंट, वो भी हम सीखेंगे कुछ लेक्चर्स के अंदर. सो होपफुली यू कीप प्रिपेयरिंग, कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस. आप अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा शायद कि मतलब देख रहा हूँ तब तक समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक क्वेश्चन आप करेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि मतलब कौन सी चीज़ में और भी बेनिफिट मुझे लेना चाहिए और कितना चीज़ मुझे कवर करना चाहिए. सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू व्हाटएवर यू आर लर्निंग, आप जो भी सीख रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, समझिए, दो तीन बार वीडियो लेक्चर्स को चेक कीजिए, वापस बुक्स को जाके देखिए कि बुक्स में जो लिखा है सर उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ रह जा रही है जो हमें पता नहीं चल रही है या फिर सर ने नहीं बताया है. सो उसके थ्रू मतलब आपको क्या है, टेक्स्ट बुक को क्लियर अप करना ज़रूरी है, क्योंकि वी नेवर नो कि अब पर्टिकुलर जो है फिजिकली क्लास, जो हमारे रेगुलर ट्रेडिशनल क्लास हैं, वो कब चालू होंगे. क्लियर? बिकॉज वी आर वेटिंग एंड वेटिंग. क्लियर? सो बेटर है कि हमारे पास जो ये टाइम भी जो है उसको अच्छी तरह से हम यूटिलाइज करें. मैं ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ और तेज़ नहीं चला रहा हूँ, उसके पीछे का भी रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब मोस्ट ऑफ कोर्स जो है वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर दूँ और देन आफ्टर पर्टिकुलर मुझे पता चले कि 4-5 चैप्टर भले ख़त्म कर दिए लेकिन आपको हर एक चैप्टर में दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा कम रहेगा ना तो उसको मैं रिवाइज़ करा सकता हूँ आसानी से. लेकिन मोस्ट ऑफ पोर्ट पार्ट अगर हमने कवर कर लिया है तो इतना सारा रिवाइज़ कराना मतलब बहुत महंगा पड़ जाता है, और आपको भी मतलब 4-5 चैप्टर जो है रिलेटेड है लिंक के साथ, यू आर गोइंग टू हैव अ बिग ट्रबल इन योर स्टडीज. सो बेटरली जो है वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका 12th स्टैंडर्ड है, बोर्ड है, काफ़ी क्रूशल है. सो हमें सिर्फ पर्टिकुलर जो है बोर्ड की तरफ से इतना ही रिलैक्सेशन मिल सकता है कि इन केस शायद हमारा एग्जाम थोड़ा पीछे जा सकता है, अदरवाइज यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड कि आपके लिए और कोई रिलैक्सेशन होगा. सो बेटरली ये टाइम जो आपके पास है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए. क्लियर? एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी या क्वेश्चन इस कैपेसिटर और या कैपेसिटेंस के बारे में, सो यू कैन स्टिल आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.